आप देख रहे हैं लोकल न्यूज 24 आवर में हूँ आपके साथ सुनील कुमार। इस वक्त मैं रोहतास जिले के विक्रमगंज के अनुमंडल क्षेत्र के अस्पताल के पास मौजूद हूँ। जैसा कि आपको बता दें कि आज विक्रमगंज में जो नाली गली की समस्या चल रही थी, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो एक NM है जिनका नाम है पिंकी देवी। पिंकी देवी का हस्बैंड बताए जाते हैं जो कि इन्होंने कुछ सर्विस करते हैं। आइए हम इनसे डायरेक्ट बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता हुआ और मैं बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का जिला सचिव हूँ। बता दें कि दिव्यांगों का ये संवैधानिक अधिकार है कि उन्हें किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को करने के लिए सिर्फ ऑफिस में काम किया जाता है। जैसे PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनका हक बनता है कि आप चाहे ग्रुप डी में हो या कहीं भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो आप, तो आपको अगर आप दिव्यांग है, शारीरिक अक्षमता वाले हैं, तो आपको सिर्फ ऑफिस में ही काम करना चाहिए। फिर भी यहाँ पे हमारी वाइफ का NM का ज्वाइनिंग हुआ है अनुमंडलीय अस्पताल विक्रमगंज के PSC सेंटर पे, उनको क्षेत्रीय ड्यूटी दिया गया है। इस हिसाब से क्षेत्रीय ड्यूटी दिया गया है जबकि नली गली का इतना क्रिटिकल सिचुएशन है कि कहाँ नहीं जा सकता। हमने अपने वरीय अधिकारियों से बात की, यहाँ तक कि हमारे जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सर, उनके पास अप्लीकेशन दिया, उन्होंने अलाउ कर दिया कि इनको एक जगह पे पदस्थापित कर दिया जाए। लेकिन वहाँ के मैनेजर साहब हैं, DIO साहब हैं, DIO भी आए स्पेशली हमारी वाइफ से मिलने के लिए कि हम ससाराम से चल करके आपके पास आए हुए हैं सिर्फ आपके लिए, हम आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। समझने से कुछ नहीं होता है, उसको महसूस किया जाना चाहिए। क्यों वो महसूस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके घर में कोई हैंडीकैप्ड बच्चा नहीं है। तो जब आप विक्रमगंज के अनुमंडलीय अस्पताल पर गए थे तो वहाँ पर जो आपकी वाइफ का जो पद स्थापित मतलब नहीं किया गया था, इसको लेकर आप वरीय अधिकारी से शिकायत किए, तो उन्होंने क्या बताया? मैं अप्लीकेशन लिखा था वहाँ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के बारे में उनके पास, उन्होंने अलाउ तो कर दिया कि इनको एक जगह पे सेटअप कर दिया, दुर्गा मंदिर में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, या तो वहाँ पर कर दिया जाए या अनुमंडलीय अस्पताल। लेकिन जब मैं मैनेजर के पास उसको लेकर गया तो मैनेजर डायरेक्ट DIO को सौंप रहे हैं, DIO डायरेक्ट किसी और को सौंप रहे हैं, मतलब दौड़ाया जा रहा है, सिर्फ दौड़ाया जा रहा है, हैंडीकैप लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो मैं उन सभी पदाधिकारियों को बता देता हूँ कि अगर कोई भी किसी भी हैंडीकैप को परेशान करता है, दौड़ाता है, ऐसा मांगता है किसी भी मामले में, तो उनके ऊपर तरफ से कार्रवाई किया जाएगा चलंत न्यायालय। बाकी देख ले उन लोग, DM साहब के पास भी हमको जाना है, अगर यहाँ से नहीं हो सकता है तो हम तो DM के पास जाएंगे, यहाँ तक सचिव के पास जाएंगे जो